जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो कि हरियाणा में एक चरण में होंगे पंचायत चुनाव। हरियाणा न्यू टेक्स, हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सितंबर में होंगे और चुनाव एक ही चरण में होंगे। शनिवार को रेवाड़ी पहुंचे राज्य चुनाव आयुक्त दनपत सिंह ने बताया है कि वार्ड आरक्षण के लिए बने ड्राफ्ट के अनुसार बीसीए की सीटों पर सामान्य रूप से मतदान होगा। वहीं चुनाव आयुक्त दनपत सिंह ने कहा है कि पूरे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक ही चरण में करवाए जाएंगे। इसके तहत सबसे पहले जिला परिषद ब्लॉक कमेटी के चुनाव होंगे, इसके बाद सरपंच और पंच के चुनाव होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिला परिषद प्रखंड समितियों के अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा, दोनों के निर्वाचन परिषद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण चुनाव में पहले ही करीब 1.5 साल की देरी हो चुकी है, अब ये चुनाव सितंबर के अंत तक कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयुक्त ने इस चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली है, अंतिम तिथि राज्य सरकार द्वारा तय की जानी है। उन्होंने राज्य के मतदाताओं की अपील करते हुए कहा है कि स्वस्थ एवं मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी मतदाता इन चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जिला शिवालय पहुंचते ही डीसी अशोक कुमार गर्ग समेत अन्य अधिकारियों ने चुनाव आयुक्त का स्वागत किया हुआ है। तो दोस्तों जुड़े रहे हम सभी लोग हमारे साथ हमारी वीडियो को अंत तक।